अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एनएमडीकेट 2020 का जो एमसीक्यूज था वो हाइड्रोकार्बन के चैप्टर से रिलेटेड था। एमसीक्यूज का स्टेटमेंट देखिए, एसीटोफिनोन कैन बी फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। कि एसीटोफिनोन जो है वो हमारे पास बनता है कौन से रिएक्शन में। तो स्टूडेंट, इस तरह का जब भी एमसीक्यूज आ जाए तो सबसे पहला आप ये काम कर ले कि एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर आप ड्रा कर ले। तो देखिए स्टूडेंट, एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर ये है। ये एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर। अभी ऑप्शन में देखिए अल्काइलेशन, कि अल्काइलेशन जब हम यानी बेंजीन के जब हम अल्काइलेशन कर लेते हैं तो एसीटोफिनोन बनता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, गलत है। क्यों गलत है? अभी देखिए हमारे पास अल्काइलेशन और बेंजीन का रिएक्शन देखिए, ये बेंजीन आप लेके, ये बेंजीन, इधर अल्काइल ग्रुप को हम ऐड कर लेते, देखिए CH3X अल्काइल हैलाइड के साथ जब हम इसको हम रिएक्ट कर लेते हैं, देखिए इधर हमारे पास क्या मौजूद है, H। अभी X के ऊपर नेगेटिव, CH3 के ऊपर पॉजिटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर इधर क्या है, नेगेटिव होएगा। तो ये वाला के H और X आपस में रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा HX में, और ये अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा, इधर आ जाएगा CH3। तो इस तरह रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्काइलेशन। तो यह देखिए, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, क्या ये एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर है, नहीं। तो इसलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो अल्काइलेशन, ये क्या है, और रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड में देखिए एसाइलेशन, एसाइलेशन को देखिए स्टूडेंट्स, एसाइलेशन एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसाइलेशन। तो एसाइल ग्रुप हमारे पास है कि सी डबल बॉन्ड ओ CH3। स्टूडेंट याद रखिए, इधर हम बॉन्ड के निशान लगाएंगे, अगर बॉन्ड का निशान हमने नहीं लगाया तो इट्स मीन कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बने जो टोटली रॉन्ग है। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। बेंजीन रिंग के ऊपर जब ये एसाइल ग्रुप मौजूद हो, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन। तो रिएक्शन को देखिए स्टूडेंट्स, ये बेंजीन लिखे, बेंजीन, इसको हम रिएक्ट करते हैं कि CH3 सी डबल बॉन्ड हो, इधर Cl लगा ले। अभी देखिए हमारे पास देखिए Cl के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, कोई भी हाइड्रोजन आप इधर से रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए H के ऊपर पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा HCl में, और हमारे पास देखिए ये एसाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर है कि ये सी डबल बॉन्ड ओ CH3, हमारे पास एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन हुई। अच्छा स्टूडेंट, एक दफ़ा ये भी आया था कि एसीटोफिनोन का दूसरा नाम क्या है। तो बहुत सिंपल, अगर हम इधर इसी स्ट्रक्चर में देखें, ये हमारे पास है फिनाइल ग्रुप और ये इसको हम बोलते हैं एथेनोन। तो इसका नाम है फिनाइल एथेनोन। इसका नाम है फिनाइल एथेनोन। तो एक इसका नाम है एसीटोफिनोन, एक इसका नाम है फिनाइल एथेनोन। इसका एक और नाम भी मौजूद है, अगर हम देखें हमारे पास कीटोन फैमिली है, कीटोन फैमिली है, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल एम पहले आता है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कॉमन नेम में भी देखे मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसका एक और नाम है एसीटोफिनोन का, एक नाम फिनाइल एथेनोन, एक है मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो हमारे पास बेंजीन को जब हम एसाइल की मौजूदगी के यानी एथेनोल क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्ट कर लेते तो हमारे पास फिनाइल एथेनोन या एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमारे पास देखिए ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है इसी को बी ऑप्शन को यानी सही हमारे पास आएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही। थर्ड ऑप्शन की तरफ भी जाते हैं, हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप।
अभी देखिए एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप जो है, हमारे पास देखिए ये बेंजीन लिख के इधर हम CH3 या सिंपल लिखे इधर इसके साथ BR रिएक्ट कर ले तो हमारे पास हेलोजिनेशन है। तो हमारे पास देखिए इसका एक H इस BR के साथ रिएक्ट करके HBr में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा हमारे पास देखिए एक BR बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास देखिए एसीटोफिनोन को फॉलो नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, गलत है। और नाइट्रेशन का ऑप्शन भी गलत है। जब हम बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाते हैं, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं नाइट्रेशन। ये रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी आप याद रखिए, एसाइलेशन जो है और अल्काइलेशन, फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये इसके हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फ्रेडल, दूसरा का नाम था हमारे पास क्राफ्ट। उन्होंने इस रिएक्शन को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था, उसी के नाम से। इधर हम यूज़ करते हैं लीविस कैटलिस्ट, ये भी याद रखिए कि एसाइलेशन में कौन सा रिएक्शन हम यूज़ कर लेते हैं, लीविस कैटलिस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड या हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन याद रखिए, हमारे पास अल्काइलेशन और एसाइलेशन की मौजूदगी में हम यूज़ करते हैं लीविस कैटलिस्ट, जो FeCl3 FeBr3 या हमारे पास लीविस कैटलिस्ट है।